हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एस्पायर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटेगुमेंट इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव, ऑप्शन सी स्किन एंड ग्लैंड्स, ऑप्शन डी स्किन एंड हेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव। इंटेगुमेंट का मतलब होता है कवरिंग, मतलब ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है और ये बना होता है स्किन और स्किन के डेरिवेटिव से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्न, नेल एंड हेयर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ क्यूटीन, इलास्टीन, केराटिन, कोलेजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केराटिन। केराटिन जो है ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिससे हेयर, नेल, हॉर्न, क्लॉज जो है वो बने होते हैं। डर्मिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, पेरिकार्डियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेसोडर्म। डर्मिस जो है ये इनर पार्ट है स्किन का जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल है और डर्मिस जो है वो डिराइव्ड होता है एम्ब्रियोलॉजिकली फ्रॉम डर्माटोम। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। एपिडर्मिस डेवलप्स फ्रॉम इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, विसेरल मेसोडर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इक्टोडर्म। द लेयर ऑफ स्किन विच इज कंसीडर्ड एज ट्रू स्किन, मसल, डर्मिस, इपिडर्मिस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इपिडर्मिस। देयर द थिकेस्ट स्किन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कंजक्टिवा ऑफ आई, इन एब्डोमेन, ऑप्शन सी सोल एंड पाम, ऑप्शन डी बटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सोल एंड पाम। कंजक्टिवा ऑफ आई में थिनेस्ट एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। विच लेयर ऑफ स्किन डजंट कंटेन ब्लड, एपिडर्मिस, डर्मिस, कोरियम, एडिपोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एपिडर्मिस। स्किन एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और ये केराटिनाइज्ड होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, प्रोड्यूस विटामिन डी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थर्मोरेगुलेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मैक्सिमम स्यूडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड इज फाउंड, स्वेट ग्लैंड को हम स्यूडोरीफेरस भी कहते हैं। तो ये कहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए फॉरहेड एंड फेस, ऑप्शन बी पाम एंड सोल एंड अंडर आर्म्स, ऑप्शन सी आईलिड्स, ऑप्शन डी हेयर फॉलिकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाम, सोल एंड अंडर आर्म्स। स्वेट ग्लैंड जो है ये क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और जो क्वाइल्ड पार्ट होता है इस ग्लैंड का उसे हम सिक्रेटरी यूनिट कहते हैं और जो सिक्रेटरी यूनिट के चारों तरफ एक मायो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है और जो मायो एपिथेलियल सेल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है कि जो स्वेट है वो ग्लैंड से बाहर निकलता है। द सिक्रीशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड इज कॉल्ड मेलानिन, मिल्क, सीबम, स्वेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सीबम। सीबेसियस और आयल ग्लैंड ये सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर स्ट्रक्चर है एंड दे आर मैक्सिमम ऑन फॉरहेड एंड फेस। इसके सिक्रीशन को हम सीबम कहते हैं और जो सीबम का कंपोजिशन है इसमें इस्टर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। इस्टर और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, क्यूटेनियस ग्लैंड, फेंट ग्लैंड। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वेट ग्लैंड. डर्मिस ऑफ स्किन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनेक्टिव टिश्यू. विच वन कॉजेज हीलिंग ऑफ वुंड, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम माल्फिगी, बोथ, नन. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटम माल्फिगी.